एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज किचन। और मैं आज आपके लिए बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल पुलाव, जो बच्चों और बड़ों सबको बहुत पसंद आता है। वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए मैंने लिए है प्याज, मटर, आलू, बीन्स, शिमला मिर्च, 2 हरी मिर्च, टमाटर, चावल जो मैंने आधा घंटे पहले भिगो दिए हैं, गाजर, कुछ खड़े मसाले लिए हैं मैंने, जैसे तेज पत्ता, बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, काली मिर्च और 2-3 लौंग, हल्दी, नमक, जीरा, मिर्च, हींग और ऑयल। चलिए स्टार्ट करते हैं वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी। सबसे पहले मैं ऑयल डाल रही हूँ। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है तो मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ, थोड़ी सी हींग, जो हमने खड़े मसाले लिए थे हम उसको भी डाल रहे हैं। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज को हम हल्का सा भून लेंगे। हमारी प्याज अच्छे से भून चुकी है तो मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। 2 मिनट के लिए मैं इसे ढक रही हूँ। अब मैं इसे हटा के देखती हूँ कि मेरे टमाटर अच्छे से पक गए हैं। हमारे टमाटर भून गए हैं तो अब मैं इसमें वेजेस मिक्स करूंगी। तो मैं इसमें अब आलू ऐड कर रही हूँ। बीन्स, मटर, गाजर, शिमला मिर्च, तो मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी हल्दी, नमक, मिर्च मैंने अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। वेजीज में मसाले अच्छे से मिक्स हो गए तो मैं इसमें चावल ऐड कर रही हूँ। इन चावलों को मैं वेजीज के साथ में अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको 1 सीटी आने तक कुकर को बंद कर देती हूँ। हमारी सीटी आ चुकी है और मैं गैस की फ्लेम को बंद कर रही हूँ। अब मैं इस कुकर को ओपन करके देख लेती हूँ। हमारा पुलाव रेडी है और देखिए कितना प्यारा कलर आया और ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। मैं इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर रही हूँ। देखिए इसमें सारी वेजेस अच्छे से मिक्स हो गई हैं तो हमारा पुलाव कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इन्हें प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। मैं इसे धनिया से गार्निश कर रही हूँ। तो देखिए रेडी है हमारा टेस्टी टेस्टी वेजिटेबल पुलाव। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।